ये भारत जोड़ो नहीं, ये भारत तोड़ो है। राहुल गांधी हाय 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 हाय, कांग्रेस वाले हाय 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 हाय, का ये अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। राहुल गांधी ने जब से वीर सावरकर को लेकर बयान दिया है, तब से मुंबई समेत पूरे महाराष्ट्र में विरोध प्रदर्शन जारी है। लगातार शिंदे गुट और बीजेपी नेता द्वारा राहुल गांधी पर कटाक्ष किया जा रहा है। उन पर शिंदे सरकार और बीजेपी हमलावर होती हुई नजर आ रही है। और इसी कड़ी में भारतीय जनता पार्टी के विधायक अतुल भातखलकर के द्वारा भी विरोध प्रदर्शन किया गया और जमकर नारेबाजी की गई। कांदिवली ईस्ट में यहाँ पे आप देखेंगे भारतीय जनता पार्टी अतुल भातखलकर जी के जनसंपर्क कार्यालय पे मैं उपस्थित हूँ। बता दूं कि यहाँ पे राहुल गांधी, जो सांसद राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी के हैं, उन्होंने वीर सावरकर के अभद्र टिप्पणी पर अलग तरीके से बयान किया था, जिसमें आज अतुल भातखलकर विधायक जी के नेतृत्व में आज यहाँ पे एक वीर सावरकर जी की पर अभद्र टिप्पणियाँ की गई थी। आज यहाँ पे सर राहुल गांधी को चप्पल से मारा गया है, बैनरों पर और जलाया गया है, और इस पर बारे में क्या कहना चाहेंगे? राहुल गांधी के प्रतिमा को आज हमने चप्पल मारा और अभी ये चप्पल भी हम साफ करने वाले हैं, क्योंकि चप्पल खराब हो गई, क्योंकि इतने बेशरम आदमी को वो चप्पल लग गई, और उसके चप्पल को भी हम शुद्ध करेंगे। अभी ये राहुल गांधी, मैं उसको इतना ही कहूँगा कि तू अंडमान के बारे में ज़्यादा बात मत कर, तेरी जो छलांग है वो थाईलैंड तक ही है। इसके लिए राहुल गांधी को मैं इतना ही कहूँगा कि इस देश में सही ब्रिटिशों की माफ़ी किसने मांगी है, तो 1930 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जब नाभा संस्थान के जेल में उनको ब्रिटिशों ने डाला, तो 36 घंटे के भीतर जेल की कंडीशन अच्छी नहीं, इसके लिए पंडित नेहरू जी ने लिखित रूप से ब्रिटिशों की माफ़ी मांगी और ब्रिटिशों ने उनको 36 घंटे में रिहा भी कर दिया। धनुधारी यादव की रिपोर्ट, मेट्रो मुंबई।